إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وَنَحَرُ إن شانئك هو الأبتر محترم ديني بھائيو اور بہنو نوجوان ساتھیو یہ کرونا کی وبا جب سے آئی ہے बहुत सारे सवालात और बहुत सारे मसाइल ऐसे हमारे सामने पेश आते रहे जो इससे पहले कभी उनका सामना नहीं करना पड़ा था अल्लाह ताला इस बला इस आफत को पूरे आलम इस्लाम से उठाए अल्लाह ताला ईमान वालों के बजाय अल्लाह के रसूल के मुसलमानों के जो दुश्मन हैं अल्लाह ताला उन पर इस चीज़ को लौटा दे दोस्तों जहाँ बहुत सारे मसाइल आए चूँकि अब ईदा करीब आ रही है ईद अजहा के मुतालिक बहुत सारे सवाल आना शुरू हो गया आने शुरू हो गए हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ों और इलाक़ों से तरह तरह के सवाल आते हैं और उनका जवाब तलाब किया जाता है इमसा अगर कुर्बानी मना कर दी गई तो हम कैसे कुरबानी करेंगे ईद अजी का क्या होगा ये सारे मसाइल आते आ रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल सरे दस्त जो आज चंद दिन से एक मसला बहुत ही ज़्यादा आम फैलाया गया और वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से इस वबा और मुसीबत की सबब से वजह से लोग बड़े ज़्यादा तंग और तंगी और परेशानी में है इसलिए कुर्बानी ना की जाए और कुर्बानी का पैसा जो होता है वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाए उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया जाए और इस तरह से क़ुरबानी साल ना की जाए हालांकि गैर शरई बात थी सवाल आते रहे और मैंने सोचा था कि मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे लेकिन अभी दो दिन पहले पता ये चला कि ये अवामाननास का मसला नहीं है अवामनास ये फतवा नहीं दे रहे हैं बल्कि बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े मदारिस और बड़े बड़े मुफ्ती फतवा दे रहे हैं ख़ास तौर से साउथ इंडिया के एक मरकजी इदारे और वहाँ के और वहाँ के मुफियान ने जब दो, दो दिन रस्मी फतवा शाये किया कि हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि इमसाल बहुत ही ज़्यादा लोग गुरबत और परेशानी में हैं इसलिए कुर्बानी ना करें गोश्त तो हमेशा खाते रहते हैं कुर्बानी हमेशा करते हैं करते रहे इशाल कुर्बानी ना की जाए और कुर्बानी का पैसा जो होता है वो जमा करें और गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा ताकि गरीब अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें जब ये एक मरकज़ी इदारे और वहाँ के मुतफ़ा और मुफ्तियान का फतवा आया और पूछना शुरू किया तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले में हक गुलमाए रब्बानी सलफ़ सुन्नत में इस मसले का क्या हल है हमने ग़ौर किया कि हक़ वाज़ किया जाए और किताब सुन्नत की रोशनी में जो बात सलफ़ कहते रहे जो फ़तावे हैं अक़ाल उनको नकल किया जाए और बताया ये जाए कि देखें क़ुरबानी का बदल कोई इबादत या कोई सदका खैरत नहीं हो सकता कुर्बानी ही करनी पड़ेगी कुर्बानी के अलावा और आप अपने नफली सदक़ा और खैरत से गैरों की मदद करें अल्लाह रब्बुल आलमी ने कुरान पाक में हमें कुर्बानी का हुक्म कई मकाम पर दिया है उसी में से एक मकाम ये भी फसल रब्बी का वन हर आप अपने नबी ए नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और रब ही के लिए क़र्बानी भी करें यही तकरीबन ब इतफाक़ल इस आयत का माना समझा जाता है क़ुरबानी क़ुरबानी का हुक्म क्या है पहले वो समझें तो तोमा और उम्मत में दो गिरोह क़ुरबानी के मसले में हैं या दो कौल हैं नंबर एक कुर्बानी वाजिब है कुर्बानी वाजिब है अगर किसी ने कुर्बानी ना किया तो वाजिब का तारिक हुआ उलमा की एक जमात और आईम मुज्तहिदीन का एक गिरोह इसी तरफ गया है और कुर्बानी को वाजिब करार देते हैं हर साल हर मुसलमान हर घर की तरफ से एक कुर्बानी वाजिब है उल्मा का एक गिरोह ये है और मुख्तलिफ दलाइल से उन्होंने अपने कौल को मुदल किया है दूसरा गिरोह का वो है जिनका ख्याल ये है कुर्बानी वाजिब नहीं सुन्नत है लेकिन आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मदा बहुत बड़ी बड़ी ताक़ीदी सुन्नत है जरूर करना चाहिए तर्क ना करें सुन्नत वाजिब नहीं लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है कुर्बानी करना चाहिए कुर्बानी को छोड़ना नहीं चाहिए जानवर जवाह हो ईद अजह के मौके पर अगर अल्लाह ने इस्तात दिया है तब ये दो कौल हैं और दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं गर्चे अक्सर अहल इल्म और उल्मा का फतवा यही है कौल राज ये है कि वाजिब नहीं बल्कि ये सुनत मुआदा है और इसके ताक़ीद होने की कई दलीलें हैं इमाम तिमदी रहमत अपनी सुनन में नकल करते हैं किसी शख्स ने हजरत अब्दल्ला इबन उमर इब्न खत्ताब रज त से मसला पूछा क्या ये कुर्बानी सुन्नत है तो प्यारा बड़ा प्यारा जवाब दिया कहा देखो सुन्नत और वाजिब का चक्कर छोड़ो दह, दह सल्लम सूलसम वलमसलिम कितना प्यारा जवाब यही मुसलमानों का हमेशा मनहज और यही उनका अकीदा और यही उनका तरीका होना चाहिए इसमें ना उलझो कहा देखो फरद और वाजिब के चक्कर में ना जाओ एक बात तुम याद रखो कद सल्लम वल मुसलिम सल्लम जिंदगी भर कुर्बानी करते रहे और मुसलमान भी बराबर नबी सलाम की इब्तदा में कुर्बानी करते रहे कुर्बानी करो और आइंदा भी लोगों को चाहिए कुर्बानी करते रहें नबी सलाम ने वेदा में जो बहुत सारे एलानात किए थे उनमें एक ऐलान ये भी था मखरब बिन कैस रदी अल्लाह की हदीस कहते हैं कि सल्लम ने एलान करवाया तुम फी कुल आमिन कितनी बड़ी ताकीद अला ए हाजियो और मुसलमानों अला कुल अहिल बैतिन फ़ी कुल आमिन उधन याद रखो हर मुसलमान घर पर अला कुल अहिल बैतिन हर घर वाले हर मुसलमान घर पर हर साल एक कुर्बानी करना ज़रूरी है इतनी ताकिदई इतना इस कदर ताकीद किया आपने अला अहल कुल्ले बैतिन फिर कुल्ले आमिन उद भैया तो सुन्नत मौक् है लेकिन आम नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इसकी ताकीद आई है फिर अब यहाँ एक चीज़ और समझ लें अल्लाह ताला ने जो इबादत ये कुर्बानी को जब इबादत करार दिया बदनी माली इबादत करार दिया अल्लाह ने जो इबादत जिस तरीके से मुकर की है उसी तरीके पर उस इबादत को अदा किया जाएगा तो अदा होगी अपने मनमाने अपने पसंद से उसके अंदर तगैर और तब्दुर हम करेंगे तो इबादत इबादत नहीं रह जाएगी एक छोटी सी मिसाल दें हजद की नमाज की बहुत ही ज्यादा फजीलत है अल्लाह फरमाया पूछा गया तो आपने फरमाया नफली नमाजों में सबसे अफजल नमाज अफजलत सलातुल्लई तहजद की नमाज है एक तहजद की नमाज है नफली नमाज है। और एक फजर की सुन्नत मददा दो है दो रकात है कोई इंसान रात भर तहजद की नमाज़ पढ़ता रहे और अदान फजर हो तो सुन्नत फजर ना पढ़े भाई मैं तो रात भर नमाज पढ़ता रहा उसी को फजर हम तस्लीम कर लेंगे नामुमकिन ना में से आपने नफिल पढ़ी है सुनत मद आपको वक्त होने के बाद दो रकात अलग से पढ़ना पड़ेगा हर इबादत अल्लाह ताल या रसोलम ने जैसे मुकर किया है उस इबादत को वैसे ही अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल हैबा ने क़ुरबानी को सुनत मददा करार दिया अक्सर अहल इल्म के कौल के मुताबिक और बाद मुशहदीन के कौल के मुताबिक वाजिब करार दिया तो इस इबादत को में तब्दीली करना हमारे लिए जायज़ नहीं है इबादत बिन जिस इबादत का जो तरीक़ा अल्लाह ने मुकर किया है वही तरीक़ा अपनाएंगे तभी इबादत होगी अब अगर कोई इंसान कुर्बानी की इबादत जानवर ज़बह करना है अगर कोई और तरीके से वो अमल करना चाहे पैसा दे करके खैर करना चाहे तो ये कुर्बानी अदा नहीं होती बहरहाल आए अहल में तकरीबन जमहूर अहल इल्म जमहूर शलफ़ सारे सहाबा तबिन तब तबय तकरीबन सब का जमहूर का और तकरीबन सब का इस बात पर इत्तेफाक रहा कि कुर्बानी की कीमत अगर सदका कर दी जाए तो कुर्बानी अदा नहीं होगी इंसान को कुर्बानी करना पड़ेगा करना पड़ेगी और वो इंसान सुनत मद या वाजिब का तारिक होगा और उसकी चंद वजहें हैं तकरीबन चंद वजहें हैं शलफ़ ने चंद दलाइल और चंद वजूहात के बिना पर यह फ़तवा दिया कि क़ुरबानी का जानवर ही जमा करना ज़रूरी है कीमत को सदका कर देगा तो क़ुरबानी अदा नहीं होगी वो इंसान गुनहगार होगा सुन्नत या बात अहले इल्मे में तारख़ वाजिब होगा उसकी कई वजूहत बयान की नंबर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि नबी सलासलाम तकरीब दस साल हजरत अब इबन इबनखाब रदील तला नमा कहते हैं आका मसूल सल्हुस बिलमदीन नबी अलैहि सलात दस साल मदीने तैयबा तो में ज़िंदगी गुजारे दस ईद आपको मिली कहते हैं दस साल आप मदीने तैयबा तो में रहे युज़ही हर साल कुर्बानी ही करते रहे कभी कुर्बानी की कीमत से सद खैरात नहीं किया हालांकि हालात बड़े बदलते रहे हालात उस वक्त भी बदलते रहे हालात तो बदलते ही रहते हैं लेकिन सुन्नत नहीं बदली जाती अल्लाह के रसूल का हुक्म अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं बदला जाता कहते हैं दस साल नबी अलैहिस्सलाम तो हयात रहे मदीने में क़याम किया और पूरे दस साल कुर्बानी ही करते रहे जानवर ही जबा करते रहे इस सुन्नत के अदा करने का कोई और तरीका आपने नहीं अपनाया तो पहली दलील क्या है कि नबी अलैहि सलाम सारे सहाबा और सालहीन ताबईन तब ताबईन इन तमाम लोगों ने कभी कुर्बानी को तरक करके कुर्बानी की कीमत गरीबों में सदका नहीं किया लकद कान लकुम फी रसूल उस हसना दोस्तों ये पहली दलील है या पहली वजह है जिसके बिना पर कहा कहा जाता है कुर्बानी में जानवर ही जबा करना पड़ेगा कुर्बानी अदा नहीं होगी क्यों नबी रहनाम सहाबा तब इन शलफ़ अल्लाह रसुल दस साल तक रहे कराम कितने साल तक रहे लेकिन कभी किसी ने कि हालात के बदलने पर किसी मजबूरी को सामने रखते हुए क़ुरबानी की, की कीमत सदका नहीं की बल्कि कुर्बानी ही किया नंबर दो एक बड़ी अहम चीज है कुर्बानी में सिर्फ जानवर बस गोश्त का मामला नहीं है दोस्तों बल्कि कुर्बानी में एक मुस्तकिल इबादत इस सुन्नत में मुस्तकिल एक अमल अल्लाह ताला के तकरुब का जरिया जानवर जबा करके खून बहाना है दम यह बहुत ही जरूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ कुर्बानी कर दिया खत्म इंसान जानवर खरीदता है कभी जानवर साहब का नाम जानवर खरीदते उसको पालते पोसते खिलाते मोटा करते और उनसियत और मोहब्बत पैदा होती और ईद उजह के दिन गिरा करके उसकी छोरी से उस पर उसको जबा करते उस वक्त इंसान को एहसास होता है कुर्बानी करने का ये खून बहाना जानवर जबा करना से मामला गोश्त तक नहीं है कि लोग नहीं गोश्त तो हमेशा खाते रहते हैं सदका कर देंगे गरीबों के काम आ जाएगा मामला गोश्त का नहीं है जानवर जबह करने का है और अल्लाह ताला की बड़ा महबूब है कि इंसान कुर्बानी के जानवर जबा करे उसका खून बहे हज की आयत नहीं अना वाला दिमाऊहा वाला من अनालहु तकवाबमी العالمين यही चीज यही चीज बयान की जानवर ज़बा करना अल्लाह देखता है कि तुम किस दिल के साथ जानवर जबा कर रहे हो खून बहा रहे हो नंबर तीन कुर्बानी एक मुस्तकिल अहम इबादत है जो जानवर जवाह करने के बाद ही वो सुन्नत अदा हो सकती है इसका कोई बदल नहीं है दोस्तों कोई बदल नहीं है मुस्तकिल माली इबादत है और ऐसी बड़ी इबादत कि अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी वाली इबादत को कुरान में दो मकाम पर सलात यानी नमाज के साथ जोड़ा है फसल ले लो का वन हर सला और कुर्बानी दोनों को इसमें जोड़ दिया है नमाज पढ़ें वन हर और ऐसे आप जानवर भी अपने रब के लिए जबा करें रब हुक्म दे रहा जानवर जबा करो और आप कीमत नहीं कौन मुश्किल उठाए कौन जानवर खरीदे ये करे वो करे गोश्त तो खाते रहते हैं चलो गरीबों मा, मा, आ, कीमत सदका कर दिया कीमत की बस फुर्सत घर में बैठे आराम से लेकिन फस, वन हर पर अमल नहीं हुआ आपका फसल रब्बी का वनहर ईद उजा के दिन अपने जानवर को तुम जबह करो ऐसा नहीं सदका करो जानवर ज़बह करने का हुक्म आया इसी तरह से कुल इन सलाती व नीया व ममाती लबीन यहाँ भी अल्लाह रब्बुल ने सुना जैसे नमाज अल्लाह के लिए इबादत है ऐसे कुर्बानी का जानवर ज़बा करना भी सिर्फ अल्लाह रब्लॉलमी ला शरीक के लिए कुर्बानी का जानवर ब करना ये भी तौहीद है ये भी एक किस्म की इबादत है तो जिस इबादत को अल्लाह ताला नमाज सलात के अंदर जोड़ दें और हुक्म दें जानवर ज़बा करने की तो बगैर जानवर जबा किए लाखों आप सदका कर जाएं लेकिन कुरबानी की सुन्न अदा नहीं होगी नंबर चार दोस्तों बड़ी अहम चीज है कुरबानी सिर्फ इबादत नहीं है ये शायर है शायर है इस्लाम की खसूसियात में से ये इस्लाम का शार है रोज़ा नमाज हज ज़क़ात कुर्बानी शाला में से है शायर का कोई बदल नहीं है शायर का कोई बदल नहीं है शायर इस्लाम की सरबुलंदी इस्लाम की एक अलामत है कुरबानी मुसलमान जानवर जमा करता है ये मुसलमान होने की इस्लाम होने की अल्लाह ताला का आबिद होने की और ये तोहहीद की एक अलामत है शार है और शार को अदा ही किया जाएगा शियार का कोई बदल नहीं होता चुनान रबी ने हज के अंदर फरमाया मिन बुद नकुमिन ये कुर्बानी और हद ये है जो है अल्लाह ने इसको शारोल्ला करार दिया है और शायर को शायर ही की शक्ल में अदा किया जाएगा उसका बदला नहीं क्यों इससे शायर में तब्दीली आ जाएगी शायर मिट जाएगा और अल्लाह ताला ने तमई अदराम तकबल कुलूब ही फरमाया है नंबर पांच दोस्तों ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करना है इब्राहिम सलाम से लेकर के आखिरी नबी मुहम्मद वसल्लम तक जो बड़ी तादाद में सैकड़ों अंबिया और पैगंबर आए हैं इब्राहीम तो 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 सलातम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद वसल्लम तक जितने अम्बिया जितने पैगम्बर आए हैं सबको अल्लाह ने कुर्बानी का जानवर ज़वा करने का हुक्म दिया था इख्तियार तो 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 नहीं दिया था चाहे कुर्बानी ज़वा करें या सत्ता खैरात करने कीमत की ये इख्तियार और ये इजाज़त अल्लाह ने किसी को नहीं दी थी इसीलिए सारे अम्बिया अलैहि मुसलात सलाम कुर्बानी करते रहे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम ने भी, भी कुर्बानी की रब्बुल आलमीन ने फरमाया वले कुल उम्मत जअलना मन सकन ले अदकुर उस्म अल्लाह अला मा मिन बहीमतिल अनआम अल्लाह फरमाते हैं हमने हर कौम के लिए हर उम्मत हर नबी के लिए कुर्बानी मुकर्रर की थी कुर्बानी करना है और अल्लाह ने खास और यह भी किया कुर्बानी इसलिए करना है कि जानवर जबा करके तुम अल्लाह ताला का नाम रोक की भी बयान करो पता चला ये शायर तमाम अम्बिया की सुन्नतों में से कुर्बानी का जानवर जबा करना कभी किसी नबी ने इतने हालात बदले कभी किसी नबी ने सदका नहीं किया क़ुर्बानी करने के बजाय उसकी कीमत का सदका क़ुर्बानी करें फयही ये छठी वजह है वलि कुल उमतं जअलना मनसकन लिअधकुरूस्मल्लाह अला मा रदाकुम मिन बहीमतिल अनाम नंबर सात दोस्तों हमेशा याद रखें नबी अल्लाहु अस्सलाम ने साथ रमाया अफज़लुल अय्यामे यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र् सनत बसनत सही हदीस मरवी है आपने शास्त्र माना अय्यामी ये लोगों सबसे बेहतरीन दिन अफजल तरीन दिन यो नहर है यानी ईद उजा का दिन है सुमल कर सिर्फ बारहवीं तारीख ग्यारह तारीख दस और ग्यारह को अल्लाह के रसूल ने अय्याम करार दिया और इन दस दिनों में खुसूसन इन दिनों में खूस योम नहर के बारे में जब सबसे अव्वल अफजल दिन करार दिया कुरान पाक में दो मकाम पर अल्लाह ताला ने तुरन पाक में इसकी कसम दिखाई योर की अब सबसे अफजल तरीन दिन है तो सबसे अफजल अमल भी अल्लाह ने उस दिन खून बहाना जानवर जवाह करना ही करार दिया है और नबी रहमल इस बात का गवाह है आपने सबसे बड़ी इबादत फराइज के बाद ईद अजहा के दिन जो कि वह कुर्बानी की है सुन तिरमिदी सुन इब्रमाजा और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उमोन आशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत किया कि रसुल ने शाथ रमाया कि मबन अमल इराकत दम وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَأْتِي لَا بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا أَوْ كَمَا قَالَ الْحَسَّانُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هذا حدث عَائِشَةُ كَرْتِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَرَمَانَا النَّهْرِ كَدِينِ आदमी फ़राइ के बाद सबसे बड़ा अमल जो करता है अल्लाह ताला को जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो खून बहाना है जानवर जबा करना है और जानवर जवा जब करता है इंसान तो जानवर जबा करने के वक्त खून पर जमीन पर ज़मीन पर खून गिरने के पहले पहले अल्लाह ताला उसके उसको कबूल कर लेते हैं इसलिए लोग नफसन कुर्बानी खूब खूब खुश दिली से किया करो ये हदीस इस बात की गवाही दे। पर दलील है कि योमन्नार के दिन सारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों के दिरहम और दिनार माल और दौलत सदका करने से भी ज़्यादा अफजल अमल क्या है ये कुर्बानी करना है क्यों सुन्नत इब्राहिमी सुन्नत अम्बिया जिंदा करना है अगर ऐसे सदका करने लगें तो ये सुन्नत मिट जाएगी मर जाएगी ये हदीस इस बात की दलील है यहाँ एक बात वाजह कर दें इस हदीस पर बहुत सारे अहले इल्मी ने कलाम किया है लेकिन इमाम तिर्मिदी ने हसन करार दिया और बहुत सारे नेमाय सलफ़ की बात हम कर रहे हैं बहुत कुछ उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया और बहुत सारे उल्मा ने इसको मतदद शवाहिद की बिना पर कहा हदीस काबिल अमल काबिल बयान है और दर्ज हसन तक पहुँच जाती है बहरहाल एक ज़मीनी तौर पर मैंने बताया कि अफजलिया में सबसे बेहतरीन अमल क़ुरबानी का जानवर ज़मा करना है बकौल मुहदसिन के अलामा शौकानी के बहुत कुछ तिरहम दिनार सोना चादी सदका कर दे बहरहाल तो कुर्बानी का जानवर जबा करने का जो सवाब जो है वो अरबों खरबों सदका करने से भी हासिल नहीं कर सकता क्यों उस उस दिन सबसे अफसल अमर अल्लाह ने कुर्बानी करना करार दिया है नंबर आठ नंबर आठ नबी अलैहि सला तो सलाम दस साल मदीने तैयबा तो में रहे और इस दस साल में बराबर हालात बदलते रहे रिस्क की तंगी परेशानियां होती रही हैं मुश्किलें दस साल में बहुत सारे हालात बदलते रहे अच्छे बुरे अवकात आते रहे लेकिन नबी अ सलाब सामने इस सुन्नत को छोड़ा नहीं और ना किसी सहावी को आपने हुक्म दिया कि हाँ इन साल हालात अच्छे नहीं हैं है, माल की ज़रूरत है इसलिए सदका खैरा कुर्बानी ना करो कुर्बानी के जानवर की कीमत जो उसको सदका कर देंगे ये ऐसा कभी नहीं हुआ बल्कि अल्लाह रसूल कुर्बानी ही करते रहे और सहाबी काम भी कुर्बानी करते रहे इन आठ वजूहात की बिना पर सलफ ये कहते हैं कि बहरहाल कुर्बानी करने के कुर्बानी ही करनी पड़ेगी और कुर्बानी का बदल उसका सदका कीमत के सदका खैरात करना कुर्बानी के बदल नहीं हो सकता अब आए उल्मा के फ़तावे आपको नकल करते हैं ए, लेकिन अब उनके फ़तावे उनका नाम हम ले लेते उनके फ़तावे तो हम पढ़ करके नहीं सुनाते सबसे पहले इमाम मालिक इमाम मालिक जिन तमाम अहल इल्म ने फतवा दिया कि नहीं कुर्बानी ही कर, जा, जानवर सबा करने ही से कुर्बानी होगी सब आ, आ, कीमत सदका खैरात करने से कभी कुर्बानी की सुन्नत अदा नहीं होगी और कुर्बानी का सबाब उसको कभी नहीं मिल सकता उनमें एक इमाम मालिक हैं इमाम नवी रहा कहते हैं यही कौल इमाम अबू हनीफा रहा का है अल्लाकबर इमाम नवी कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल का यही कौल है इमाम रबिया यही फ़तवा दिए हैं इमाम अबू सनाद यही फ़तवा दिए हैं इमाम नौवी रहा यही फ़तवा दिए हैं इमाम इब्न रहमतुल्लाह राम ने भी यही फ़तवा दिया है इमाम इब्न क़ुदाम इमाम इब्न तैमिया ने यही फतवा दिया इमाम इब्न कईम ने यही फतवा दिया इमाम शौकानी रहमत ने भी यही फ़तवा दिया किया कितना भी सदका कर डालें लेकिन कुरबानी की सुन्नत नहीं अदा होगी कुर्बानी का हजर सवाब इंसान नहीं पाएगा इसी तरह के इसी तरह से हैं मिशकातुल मिशकात शाह मशक़ातमशक़़ अल्लामा अल्लाबैदल रहमानी मुबारकपुरी रहा हमारे शेखुल मशाइख जिनकी शहबत से हमें हम भी कई मरतबा मुस्तफीद हुए हैं इन्होंने मीरात के अंदर भी बहुत सख्ती के साथ मना किया और कहा नामुमकिन है कि कुर्बानी करने के के बजाय उसकी कीमत को सदका खैरात किया जाए कुर्बानी का जानवर ही ज़बा करना पड़ेगा यही उसी मिन रतल के फतवा यही साले फौजान का फतवा इस तरह से बहुत सारे लोगों के फतावे हैं, हैं। तो हम आपदा से यही अपील करते हैं कि हर इंसान कोशिश करे कुर्बानी करने की क़ुरबानी करने की ताकत नहीं अल्लाह तला जो कल्लफुल्ल नबस उसी लेकिन जो साहिब इस्ता हैं कुर्बानी के बजाय गरीबों की हमदर्दी में अपनी आसानी के लिए सोचते हैं कीमत सदका खैरात कर दे ऐसा करना नामुमकिन है ऐसे करने से ना कुर्बानी के सवाब मिलेगा कुर्बानी अदा होगी और मुमकिन है एक गुनाहगार भी हो क्यों सुन्नत मददा छोड़ा या बात उल्मा के नज़दीक उसने वाजिब को तरक् किया अब यहां एक चीज और बताएं बस अब सवाल ये होता है अरे भाई फला इतने इतने गरीब खाना खा लेंगे ये करेंगे उनकी आसानी सोचता है कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसा करते हैं ना फला इलाके में हमारे यहाँ यह तीन बच्ची थी हमने उसकी शादी के लिए कुर्बानी के पैसा इकट्ठा करके हम उसकी शादी ऐसा करना कतअ नाजायज है अब सवाल ये है कि उन गरीबों का काम कैसे चले तो दोस्तों अल्लाह रबालमे ने गरीब मस्किन मोहताज के एक खाना खिलाना उनके कपड़े का इंतजाम करना उनके दुख दर्द में काम आने के लिए अल्लाह उसके रसूल सल्लम ने किताब उस सुन्नत में नफली सदक़ात करने का हमें हुक्म दिया है भयु तयला खुब ही मस्किन अव यतीम अरा अल्लाह ने फरमाया विकुआनफकुबी मारा ये अपने रिश्क हलाल से आपने जक़ात निकाला बहुत अच्छा किया जक़ात के अलावा भी कुरान के अंदर बड़ी ताक़ीद की गई है अल्लाह ताला के रहम में खर्च करना गरीबों पर मिशिनों पर रिश्तेदारों पर तो कुर्बानी आप कर लें अल्लाह ताला तितनी आपको इसतात दिया है अपने नफली सदक़ात और ख़ैर के ज़रिए यतीमों की मदद करें ताकि अल्लाह ताला के यहाँ अजर वब के मुस्तहिक बने ये चंद बातें हमने हैं हैंमाए शरफ़ के कौल के मुताबिक आपके सामने रखा है अल्लाह ताला तब को दीन की सही समझता फरमाए और अल्लाह आलमीन हमें नबी की सुन्नत और शरीयत और हकाम की पाबंदी करने की तोफ़ी दी अकुल हादा लिहादाव अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली भी माँ तो बिल्कुल